में जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को याद है कि लास्ट संडे किस टॉपिक पर हम वर्ड शेयर कर रहे थे? कोई बोल सकता है? ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने वचन देखा था जो आज हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में एक इच्छा थी मैं एक विजन पे मैसेज दूं, लेकिन इसको मैं कंप्लीट करके हम आने वाले दिनों पे विजन पे हम मैसेज देंगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर हमने पढ़ा था मरकुस 13 अध्याय और उसका 31 वचन, मार्क 31 में कलम में लिखवा मावी छे, सब टल जाएगा। हालेलुया, बोलिए सब टल जाएगा, सब टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हाँ, अब वचन निकालेंगे और साथ में पढ़ेंगे मरकुस 13:31, मार्क 13:31, एक साथ रीड करें, स्टार्ट। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसकी बातें, ध्यान से सुन लेना, उसकी बातें, हालेलुया, मेरी बातें नहीं, आपकी बातें नहीं, राजा की बात नहीं, लेकिन जिसने आकाश और पृथ्वी जिसने बनाई है वो कहता है सब टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेगी। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हो, अपने परमेश्वर के, परमेश्वर कहता है मैंने अपने नाम से भी ज्यादा मैंने अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। मैं कुछ चीजें लास्ट संडे की रिपीट कर देता हूं। हमने देखा था कि नूह के जीवन में से देखा था, हमने कुछ अब्राहम के जीवन में से देखा था, लेकिन हम अब्राहम से ही स्टार्ट करते हैं, निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 6, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसका 6 वचन। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझे जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ये किसने कहा? जोर से बोलो, हालेलुया। ये कोई प्रॉफेट नहीं बोल रहा, कोई किंग नहीं बोल रहा, लेकिन सेनाओं का यहोवा अब्राहम से बातें करते हुए कहता है। फिर एक बार रीड करेंगे, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझे जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। इसे रिसीव करो, क्योंकि ये वचन भी परमेश्वर आपसे बातें करता है और आप अंगीकार कर सकते हो कि मेरी जनरेशन की जनरेशन में राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर मेरी जनरेशन की जनरेशन को जाति जातियों के लिए आशीष का कारण ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया तो यह वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कम लोग बोलते हैं हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो परमेश्वर लोगों के जीवन में पूरा करता है। क्योंकि मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आप मत्ती को पढ़ो, उसका पहला अध्याय पढ़ो, तो सिर्फ जनरेशन के बारे में लिखा है। हालेलुया, उसकी जनरेशन में दाऊद भी आ गया और अब्राहम की जनरेशन में और उसकी जनरेशन में भी यीशु मसीह का भी जन्म है। हालेलुया, राजा ओ उत्पन्न होंगे जो अब्राहम से कहा था, जो वाचा, जो वचन, जो दर्शन, जो खुदा आपको देता है ना, वो परमेश्वर आपके लाइफ में पूरा करेगा। लेकिन समय को देखकर आप नासीपास मत होना। आप ऐसी कंडीशन में हो, लगता है ये कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, ये आपका विषय नहीं है,
जिसने आपके साथ वाचा बांधी है, जिसने आपको वचन दिया है, वो उसका काम है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कैसे वहां से बाहर निकालना है, वो उसका काम है। लेकिन हम देखेंगे, निकालेंगे उत्पत्ति उसका 46 चैप्टर वर्स 2 और 4, 2 से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने इज़राइल को रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, उसने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति तेरे द्वारा खड़ी करूंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहां से निश्चय लेकर आऊंगा। हालेलुया। देखो, ये परमेश्वर याकूब से सपने के द्वारा खुदा बात कर रहा है। आप मुझे ध्यान से सुन लेना, यदि आपने इसे रिसीव किया, यदि आपने उस वचन पर विश्वास किया, आप अपने जीवन के अंदर एक बड़े काम को देखोगे। हालेलुया। जब परमेश्वर याकूब से बात कर रहा है तो याकूब अपनी खुशी से नहीं जा रहा, लेकिन उसकी खुशी थी भी, क्योंकि उसका बेटा जोसेफ वहां था। उसकी इच्छा थी कि मैं अपने मरने से पहले यूसुफ को देखूं, लेकिन इन बातों के लेकर वो सोच रहा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन जब वो इस बात को लेकर, जब परमेश्वर उसे सपना के द्वारा बात कर रहा है, परमेश्वर ने उसे कहा मिस्र जाने से मत डर। जब परमेश्वर आपको लेकर जाता है, आपको लगता है कि मैं वहां जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप जाओगे, जहां तुम जाओगे, वहां आपके साथ परमेश्वर चलता है। हालेलुया। चाहे कहीं भी क्यों ना हो, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। और परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझे इस देश में नहीं, मैं तुझे अन्य जाति के देश में, उस मिस्र देश के अंदर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कहां बढ़ाने की बात हो रही है? मिस्र के अंदर, जहां रहता है वहां नहीं, कनान देश में नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे मिस्र भेजता हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे वहां से बढ़ाऊंगा और वापिस भी लेकर आऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो वचन देता है ना, वो वचन को पूरा करता है। यदि आप घर जाकर पढ़ लेना निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय घर जाकर पढ़ लेना, क्योंकि जब ये लोग आए तब 70 लोग थे, लेकिन जब वो निकले मिस्र की गुलामी से तो 600,000 पुरुष थे। कितने लोग थे? 70 में से 600,000 पुरुष हो गए। कहां बढ़ाया? मिस्र के अंदर बढ़ाया। स्त्री की गिनती नहीं है, बच्चों की गिनती नहीं है। परमेश्वर ने बोला सब कुछ टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। और उसने कहा मैं तुझे मिस्र देश के अंदर तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। अगस्तीन जेबक कुमार का नाम किसने सुना? हालेलुया। अगस्तीन जेबक कुमार वो एक तमिल है, लेकिन वो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, परमेश्वर उनसे बातें की, तुझे जाना है बिहार की ओर, और वहां जाकर तू मेरे लोगों के बीच में जाकर तू सेवकाई कर। अब हम वहां पर देखते हैं कि अगस्तीन जेबक कुमार जो परमेश्वर के दास है, उनको हिंदी लैंग्वेज वाले से नफरत थी, उनको हिंदी लैंग्वेज वाले पसंद ही नहीं करते थे और वो वहां नहीं जाना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे वहां जाना है, और उसने कहा परमेश्वर मैं 2 व्यक्ति को मैं नियुक्त करता हूं, उनको सैलरी भी दूंगा, लेकिन वो जाकर वो वहां पे सेवकाई करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैंने उन दोनों व्यक्ति को नहीं कहा, मैंने तो तुझे कहा है। और अगस्तीन जेबक कुमार जो परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड है,
उनको हिंदी नहीं आता था, लेकिन खुदा ने कहा इसलिए वो वहां पर जाकर हिंदी लैंग्वेज सीखा। उन बिहार में जाकर उन्होंने वहां पर हार्ड परिश्रम के साथ परमेश्वर की सेवकाई की। आज भी जीवित है, आप YouTube पर जाकर उनकी गवाही सुनो, और परमेश्वर ने उनको इतनी सफलता दी है। आज अनाथ आश्रम है, आज स्कूल है, आज हॉस्पिटल है, एक नए कई सारे चर्च वहां पर और पूरे इंडिया में है। हालेलुया, एक नहीं। और नक्सलियों के बीच में भी वो खुदा के दास, उनके लोग उनके बीच में जाकर काम करते हैं, सेवकाएं कर रहे हैं। जब विजन में वो चले, जब परमेश्वर ने कहा तुझे वहां जाना है, और परमेश्वर ने उनको साउथ में नहीं लेकिन बिहार के उन लोगों के बीच में खुदा ने उनको खड़ा किया, और उस लोगों के लिए वो आशीष का कारण ठहरे। आप कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में उनके द्वारा चुने, उनके द्वारा कितने लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर ने उन जो आत्माएं नाश की ओर जा रही थी उनके द्वारा खुदा ने बचा लिया। लेकिन मैं कहने का मतलब क्या है, वो तो साउथ में थे लेकिन बढ़ोतरी कहां मिली, बिहार में। सेवकाई सफलता सफल कहां पे हुई, उस बिहार के अंदर। परमेश्वर ने भी सेव अब याकूब से कहा तू मिस्र में जा, मैं तेरे संग चलूंगा और मैं तुझे वहां बढ़ाऊंगा। और हम देखते हैं कि 70 लोगों में से परमेश्वर ने उनको कितना बड़ी संख्या में लेकर आया परमेश्वर उनको, और निकले तब 600,000 पुरुष से। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, जो वचन खुदा देता है वो वचन पूरा करता है, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री में क्यों ना हो, आप जहां कहीं हो, लेकिन जहां परमेश्वर ने आपको रखा है ना, वहां पर ही खुदा आपको उठाएगा। ये उसका वचन है, ये उसका वचन है। एक वर्ड हम पढ़ेंगे जो मेरे दिल को छू गया है, हम निकालेंगे उत्पत्ति का लास्ट चैप्टर, जो मरने से पहले यूसुफ बोल रहा है। पढ़ेंगे 24। यूसुफ ने अपने भाइयों से कह रहा है, मैं तो मरने पर हूँ परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधी लेगा, और तुम्हें इस देश में से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इशाक और याकूब से सफल खाई थी। जो देने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम, इशाक और याकूब के साथ शपथ खाई है, जो शपथ खाई है, आज तुम उस देश में नहीं हो लेकिन मिस्र में हो, लेकिन जिसने शपथ खाई है, जिसने वचन दिया है, जिसने विजन दिया है, जिसने आपसे बातें कही है, वो परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। जब मिस्र में उनकी संख्या बढ़ने लगी, एक बड़ी संख्या हो गई, और फिर परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकाला। हम निकालेंगे, देखो उसी में से ही निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 24 और 25 वचन को पढ़े। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इशाक और याकूब के साथ बांधी थी, हाँ, स्मरण किया। हालेलुया, परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है। जो वचन आपको दिया वो परमेश्वर आपके बारे में स्मरण करता है, इसलिए वर्ड कहता है जो वचन मैंने तुझे दिया है वो पूरा करूंगा। उसके लिए कुछ भी हो, चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, मेरा वचन नहीं टलेगा, और मैंने तुझे वचन दिया है। और जो वचन देता है उसकी अगेंस्ट में कोई व्यक्ति आकर वो वचन से आपको दूर भी नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने
वचन दिया और परमेश्वर उस वचन के अनुसार याकूब को बढ़ाया, उसकी जनरेशन को बढ़ाया। उसके अंत में हम देखते हैं, उससे पहले हम और एक वचन निकालेंगे, पहला शमूएल उसका 13:14। पहला शमूएल उसका 13:14। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार हो। आमेन, हालेलुया। जो उसके मन के अनुसार है, जो उसके दिल के अनुसार है, जो उसकी संगति में चलता है। ये तो मैंने यहां पर इन लोगों के बारे में बताया, नूह से लेकर दाऊद तक आपको मैंने बताया, लेकिन हम थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें मेरे अंदर डाली है वो अब मैं शेयर करने जा रहा हूं। मैंने ये तो परमेश्वर के लोगों के साथ जो वाचा बांधी है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि परमेश्वर ने जिन लोगों से कहा, उन लोगों से बातें की, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, नूह को बढ़ाया, अब्राहम को बढ़ाया, इज़ाक को बढ़ाया, याकूब को बढ़ाया, जोसेफ को बढ़ाया, मूसा को बढ़ाया, दाऊद को बढ़ाया। जो जो वाचा परमेश्वर ने उनको दी थी, वो वाचा परमेश्वर ने पूरी की। हालेलुया, ये एक पार्ट है। हालेलुया, ये एक पॉइंट है। लेकिन दूसरे पॉइंट में मैं तुरंत ओरली तुरंत जाना चाहता हूं, लेकिन ये तो मनुष्य के साथ थी और परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था, लेकिन उन दिनों में नबी लोग थे। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कितने सारे नबी लोग थे, अब्राहम भी एक नबी था, मोसेस एक नबी था, हालेलुया, एलिया के बारे में देखते, एलिशा के बारे में देखते, हजकेल के बारे में देखते, यर्मिया के बारे में देखते, यशायाह नबी के बारे में देखते हैं। उन लोगों ने भी कुछ प्रोफेसी की है। अब हम प्रोफेसी की ओर जाते हैं। बाइबल में डेविड ने प्रोफेसी की है, बाइबल में यशायाह ने प्रोफेसी की है, बाइबल में जरमयाह ने प्रोफेसी की है। क्या प्रोफेसी की है पता है? कुंवारी को गर्भ रहेगा, हालेलुया, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया, ये एक वर्ड है। अब तक आपने जो मैंने कहा लास्ट संडे से अभी तक जो बोला, वो तो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ जो वाचा बांधी और वो वाचा को पूरा किया। लेकिन अब यहां से एक दूसरे पॉइंट में हम जा रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी। हम भजन संहिता 22 को अध्याय को घर जाकर पढ़ लेना, साम्स चैप्टर 22 में, उसमें दाऊद यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है कि उसका पुत्र दुख उठाएगा। कई जगह लिखा है कि उसके वस्त्र के बारे में, कि उसके वस्त्र को पैसे और आपस में बांट लेंगे, उसको 30 सिक्के में बेचा जाएगा। हाँ, यशायाह 53 अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि उसके पुत्र के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। ये सारी प्रोफेसी है, ये सारे वचन है। हालेलुया, ध्यान से सुन लो, ये एक दूसरा पॉइंट है। हमने एक पॉइंट देखा मनुष्य के साथ परमेश्वर का वचन और वो वचन पूरा करता है, लेकिन एक वचन नबियों के द्वारा आया कि उसका पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं, अब यशा को पढ़ लो, अब यर्मिया को पढ़ लो, भजन संहिता में देख लो कि परमेश्वर के पुत्र के बारे में क्या क्या कहा है, और परमेश्वर के पुत्र के साथ जो व्यवहार होगा, जो पुत्र के साथ जो होने वाला है, वो सारी बातें अगौ से भविष्यवक्ताओं ने पूरा कर बोला है। और हम देखते हैं, कहां देखते हैं? नए नियम में आते हैं। हालेलुया, अब हम नए नियम में एंटर होते हैं। जब नए नियम में कुछ सालों के बाद जब गैब्रियल मरियम के पास आया और मरियम के पास आकर उससे कहा, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाई हुई स्त्री, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, हालेलुया, और परमेश्वर ने का अनुग्रह उस पर हुआ, और गैब्रियल ने मरियम से बात करते हुए कहा, तो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर आएगी और तू पुत्र जनेगी। देखो, वर्ड पूरा हो रहा है। हालेलुया,
मैं तीन पार्ट में आपको शेयर कर रहा हूं। एक था मनुष्य के साथ के वाचा और वाचा वचन दिया जो है, और दूसरा है जो मनु भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो वचन बोला गया है, जो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, वो पुत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और हम देखते हैं कि जो जो बातें परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी के रूप में कहा था, हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, जो बातें उसके लिए कहा गया था कि उसका पुत्र दुख उठाएगा, जो बस आइज़या 53 में हम पढ़ते हैं कि उसके पुत्र के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसने कोड़े का मार खाया और वो हम देखते कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। उसके पुत्र के बारे में कहा था इनको 3 चांदी के सिक्के में बेच देंगे, और हम वो भी देखते हैं सारी बातें पूरी हो रही है। जो वचन दिया गया वो वचन पूरा हो रहा है, मनुष्य के साथ का वचन पूरा हो रहा है, पुत्र के साथ का जो वचन वो पूरा हो रहा है, और वो तो हो चुका है। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना था, उसको पढ़ेंगे, निश्चय हम पढ़ेंगे, निकालेंगे। प्रेरित के काम उसका पहला अध्याय 9-11 तक पढ़ लेना। मैंने शॉर्ट में ये बता दिया, लेकिन हम यहां पर देखना चाहते हैं प्रेरित के काम उसका पहला अध्याय 9-11 वचन। यह कहते हुए लोग देख रहे और परमेश्वर को उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया, बादल से उसके जाते समय, जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े, और उनसे कहा, हे गलील के पुरुषो, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, तुम्हारे बीच में से, जिस रीति से तुमने जाते उसको देखा है, उसी रीति से फिर वो वापिस आएगा। हालेलुया, ये एक और वचन है, हालेलुया, जो हमें परमेश्वर उस बातों के लिए हमें तैयार करता है। एक मनुष्य के साथ का वचन था, वो वचन उसने पूरा किया, ब्लेसिंग के बारे में थी। दूसरा, भविष्य वक्ताओं ने जो वचन बोला आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी की कि पुत्र का जन्म होगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में चला जाता है, वैसे दो व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहने हुए बोल रहे हैं कि जैसा आपने उसको जाते हुए देखा है, वैसा वो वापिस आएगा। हर एक वचन पूरा होगा, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, वो वापिस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम नए प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, नया यरूशलेम, हालेलुया, पुरानी बातें चली गई, हालेलुया, नई धरती, नई पृथ्वी, हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से देखो, हर एक वचन पूरा होगा। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, जैसे उसने दूतों ने कहा आज जाते हुए अब देख रहे हो, वो वापिस आएगा। वो क्यों आएगा? वो अपनी कन्या को लेने आएगा, वो अपने चर्च को लेने आएगा, वो अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन जो तैयार हो गए, परमेश्वर उसे उठा लेगा। हालेलुया, परमेश्वर उठा लेगा। यह वचन पूरा होने वाला है। अब उस घड़ी में, उस समय में हम जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। हालेलुया, परमेश्वर का आना निकट है, और यह वचन पूरा होने पर तैयार है, क्योंकि हब्बाकुक में लिखा है, 2 और 3 में हमने पढ़ा वो दर्शन की बातें, वो वचन पूरा होने वाला है, और वो समय वेग से आ रहा है, वो जल्दी आ रहा है। हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यह वचन पूरा होगा जो हमारे साथ होने वाला है। हालेलुया, हम निकालेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय
चार से सात वचन को एक व्यक्ति पढ़ ले। मैथ्यू 24:4-7। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, बहुत से ऐसे लोग होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, लड़ाई और लड़ाई की चर्चा भी सुनोगे। मत घबराना, इनका होना अवश्य है, और जो हो रहा है इस समय में वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, ये यीशु मसीह ने बोला है, सब टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जो आने वाला जो समय है, ये समय में ऐसा होने वाला है, और हम उसी समय में जी रहे हैं। आज कितने लोग रॉन्ग टीचिंग में लेकर जा रहे हैं। एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं, मेरे घर पे 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन मैं नहीं मिल पाया, लेकिन मेरा दोस्त उनके पास जा, मैंने मेरे दोस्त को भेजा, तू जाकर मिल ले। और एक कलीसिया है जो रिलीफ रोड पे है, जॉय टू द वर्ल्ड, वॉर नहीं, वर्ल्ड, ध्यान से सुन लो, जॉय टू द वर्ल्ड, ऐसी एक संस्था है, ऐसा ग्रुप है, बार बार मेरे घर पे आ रहे हैं, मैं नहीं मिला, लेकिन मेरा दोस्त है जो हम लोग साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़े, वो वहां पर रेगुलर जाता था। लेकिन मेरा और एक दोस्त था, वो भी मैंने कहा तू देख मिल किया जा, तू वहां पर कैसी संगति है, वो वहां पर जाता है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हम अंत के समय में है, वहां पर वो चर्च में जाता है, वो संगति में गया, वहां पर कुछ गाने वचन के अनुसार थे और कुछ गाने फिल्मी दुनिया के गाने थे। वहां के पास्टर ने क्या टीच किया पता है? उन्होंने बोला कि जगत का आनंद क्षणिक है, इसलिए वो पास्टर ने कहा जो क्षणिक आनंद भी है ना, वो आनंद भी लेना चाहिए और प्रभु का भी आनंद लेना चाहिए। इसलिए वहां पे दो गाने पिक्चर के गाते हैं और बाइबल के कुछ वचन के जो गीतों के सॉन्ग सॉन्ग में उसमें से गाते हैं। हम वो समय में जी रहे हैं। मेरा दोस्त मुझे वीकली, अब वो मेरे बगल में ही रहता है, हालेलुया, वो वहां पे चर्च में जाता था, वहां की कोई लड़की से साथ उसकी शादी भी हुई, लेकिन उसकी बहन एक पुणे में रहती है और एक लड़का जो उसका भाई है जो मेरी सोसाइटी के बाजू वाली सोसाइटी में रहता है, हम कई बार उनसे मैं उनसे मिलता हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि हम वो वचन परमेश्वर ने कहा अंत के समय में ऐसे होंगे, झूठी बातों को लेकर, कुछ बातों को लेकर आपको भरमाए जाएंगे, और उसी समय में हम जी रहे, क्योंकि वचन कहता है सब टल जाएगा, मेरा वचन नहीं डरेगा, और यीशु ने यह वचन बोल दिया है। अंत के समय में ऐसे ग्रुप वाले लोग होंगे, मेरे नाम से लोग आएंगे। यीशु मसीह ने कहा जब न्याय के दिन के बारे में कहा, कई लोग मेरे पास आकर कहेंगे मैंने तेरे नाम से भूत निकाले, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, फिर भी यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, तभी यीशु मसीह ने बोले मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए वचन को रीड करो आप, इसीलिए होशिया 4:6 में लिखा है, होशिया 4:6 में लिखा है, मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण नाश की ओर जा रहे हैं। ये वचन पूरे हो रहे हैं और हम निकालेंगे। देखो उसी मैथ्यू चैप्टर 24 में से 11, 12 और 13 वर्स को हम पढ़ेंगे, 11, 12, 13। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो उठोगे, बहुतों को भरमाएंगे, अधर्म बढ़ने से प्रेम लोगों का ठंडा होगा, परंतु जो अंत तक धीरज, जो अंत तक धीरज धरे रखेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, अंत के समय में हम जी रहे हैं, वचन पूरा होने वाला है, हम जागरूक रहे, हम परमेश्वर के साथ समय बिताए, उसके वचन के साथ समय बिताए। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, यदि वर्ड आपके पास होगा, वर्ड को आप पढ़ोगे,
वर्ड के साथ समय बिताओगे तब आप ऐसे लोगों का उत्तर भी दे सकते हो। बाइबल में कहां लिखा है ऐसा? जो तैयार है, हम सब उसकी कलीसिया है। हालेलुया, जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर उन लोगों को ले जाएगा, वो है उसकी कलीसिया। हालेलुया, मैं आदब से कहता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओ, क्योंकि ये वचन है ना, पूरा हो रहा है, ये हो रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे, युद्ध चल रहे हैं, चल रहा है, युद्ध चल रहा है, बहुत सारी अफवाह हम सुन भी रहे हैं, यूट्यूब पे देखो बहुत सारी अफवाह भी है। हालेलुया, मेरा कहने का मतलब यह है कि वचन पूरा होने वाला है, वो वचन पूरा होने वाला है जो दूतों ने कहा, जैसे आपने जाते हुए देखा है वैसे वो वापिस आएगा, वापिस आएगा, निकालेंगे। उसी का 29, 30 और 31 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 24 उसका 29 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद सूरज अंधकार रूप हो जाएगा और चंद्र का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश में से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। हाँ, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आके देखेंगे। ये समय हम देखेंगे, हम या हमारी आने वाली पीढ़ी, बहुत हो गई, हालेलुया, ये हमारे आने वाली जनरेशन, शायद अनुग्रह हुआ तो हम देखे हुएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, हमने पढ़ा ज्ञान बढ़ रहा है। अब छोटे बच्चे के पास जितना ज्ञान है उतना तो हमें भी ज्ञान नहीं है, और उतना ही नहीं लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है। पहले के जमाने में हम देखे 50 साल पुराने पीछे जाओ तो यदि पता चला ये मेरे गांव का है तो बिना खाए उसे बेचते नहीं है, ये मेरे गांव का है, मेरे घर पे आना, रात को रहना और खाना खाके जाना। आप सगा भाई अपने घर आता है ना, कब जा रहा है, चाय के बारे में भी नहीं पूछता, तो खाने की बात कहां रही। प्रेम ठंडा हो रहा है, वचन पूरा हो रहा है। एकता जो हमने देखा मनुष्य के साथ का वाचा, जो वचन मनुष्य को दिया है, और कुछ वचन ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता ने कहा, वो बातें पूरी हुई। लेकिन अब तीसरा जो समय है वो समय में हम जी रहे हैं और हमें उस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है। सब टल जाएगा, सब टल जाएगा, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। इनमें जो बातें लिखी है वो सब हा और आमीन में पूरा होने वाली है। इसीलिए मैं आज आपसे कहता हूं, हमने देखा सूरज अंधकार रूप हो जाएगा, चंद्रमा भी अपनी ज्योति नहीं दे पाएगा, क्योंकि वर्ड पूरा होने वाला है। और अभी हम न्यूज में भी देखते हैं, कुछ दिन पहले हमने लाइव ऑस्ट्रेलिया में से देखा, तकरीबन मेरे मदर इन लॉ ऑफ हो गए थे उसी वक्त की बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से इनके भाई की जो बेटी है उन्होंने लाइव वीडियो हमको बताया था, हमने देखा था कि कुछ मिनट के लिए सूरज एकदम रेड जैसा हो गया था, चंद्र सॉरी। मेरा कहने का मतलब है कि वचन पूरा हो रहा है। आप कहां पर हो, आप कहां पर हो, हमें कुछ वचन फटाफट निकालना है। देखो, क्योंकि मैं उसे थोड़ा स्पीड में लेके जाना चाहता हूं, निकालेंगे भजन संहिता यानी कि गीत शास्त्र, उससे पहले हम निकालेंगे दूसरा पीतर दूसरा अध्याय, दूसरा पीतर तीसरा अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के बारे में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते देर है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं
नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो और नहीं चाहता किसी का भी नष्ट हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये खुदा की दिल की इच्छा है, ये अनुग्रह हम पर किया गया है। हम निकालेंगे साम्स 119 और उसका 40 वचन को हम पढ़ेंगे। साम्स 119 उसका 40 वचन, उसके पीछे कोई निकाले आइज़िया चैप्टर 55 10 और 11। पहले साम्स 119 का 40 पढ़ेंगे, उसके बाद कोई आइज़िया 55 का 10 और 11 पढ़ेगा। देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। नहीं कुछ और है, कोई बात नहीं, तब तक वो निकालेंगे आइज़िया 55 10 11। इस प्रकार से बरसा और दिन आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौटने भी जाते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिसे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। परमेश्वर का वचन व्यर्थ उसके पास नहीं लौटता, और उसने जो बोल दिया है वो पूरा करता है। वचन, हर एक वचन मनुष्य के साथ, हर एक वचन जो पुत्र के बारे में था, हर एक वचन जो रैप्चर के बारे में, और हर एक वचन इन पेड़ी से खुदा कह रहा है। निकालेंगे साम्स 119 का 89 को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ लेता हूं, आप निकालो उससे पहले। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, उसका वचन स्थिर रहता है। हालेलुया। और उसने जो बोला वो वही होता है। जब अंजीर की पेड़ को श्राप दिया तो वो अंजीर के पेड़ को श्राप लग गया। हालेलुया। निकालेंगे हम साम्स 147 का उसका 15 वचन, और निकालेंगे कोई व्यक्ति साम्स 89 का 34। पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ता है। निकालेंगे 89 का 34 और उसके पीछे को निकाले आइज़िया 14 उसका 24। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, हाँ, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा, जो मेरे मुंह से निकला है वो मैं कभी नहीं बदलूंगा। उसके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन हाँ और आमीन में पूरा होता है। मेरे प्रियो, में आदब से कहता हूं, उसका वचन टाया हुआ है, उसका वचन हथौड़े के समान है, और उसका वचन हमें जीवन देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है सब टल जाएगा लेकिन मेरी हर एक बातें पूरी होकर रहेगी। हर एक बातें जो आशीष की बातें तो आशीष की बातें पूरी होगी, श्राप है तो श्राप की बातें आपके जीवन में आप देख सकोगे। यदि आपने पढ़ा जैसे भविष्यवक्ता ने पुत्र के बारे में बोला, वो पुत्र के बारे में हम देखते हैं। जब आने वाले दिनों में जो होने वाला है वो हम देखते हैं, हम सुनते भी हैं, और वो होने वाला भी है, और वो समय नजदीक है। उसका वचन पूरा होगा, उसका वचन पूरा होगा, और ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें। कई सारे कर्ज से, मैं सच बोलता हूं, मणिनगर में भी एक कल्स आया था ऐसा, मैं सच बोलता हूं, लेकिन वो अभी यहां पर नहीं है। वो एक ग्रुप कुछ समय के लिए एक घर रेंट पे लिया था और ऐसा ही ग्रुप था। मैं आज आपसे कहता हूं, गलत गलत टीचिंगें लोग दे रहे हैं। इसीलिए वचन के साथ समय बिताओ, और जब वचन के साथ आप समय बिताओगे तब परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। इसीलिए दाऊद कहता है ना, चक्कर देखो यहोवा भला है, वो उसको कैसे पता चलता है। लोगों की धन संपत्ति से लोगों बढ़ती है तो आनंद होता है, मुझे तेरे वचन से आनंद होता है, मुझे तेरा वचन मधु से भी ज्यादा मीठा लगता है। कब कह रहा है, इसके पास वो अनुभव था। इसीलिए मैं आज आपसे कहता हूं, सब चला जाएगा,
जिसके पीछे आप भागते हो उसके पीछे उतना मत भागो, लेकिन उसके वचन को पकड़ लो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर चलो, उसके साथ समय बिताओ, उसके साथ रिलेशन में आगे बढ़ो, उसके वचन में आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधेगा, वो आपकी पीढ़ियों के साथ वाचा बांधेगा। हालेलुया। एक दो बातें मैं कह देता हूं फिर हम समाप्त करते हैं। अब्राहम को बोल दिया, निकला एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, और परमेश्वर ने 100 ईयर्स का हुआ तब पिता बना। आप अपनी एज को मत देखो, जिसने आपको बुलाहट दी है, जिसने आपको वचन दिया है, वो वचन कोई भी समय हो लेकिन वो समय के अंदर वो पूरा करेगा। और ये भविष्यवाणी है, जब आप वचन को लेकर चलोगे, ये चर्च वचन को लेकर चलेगा, उसकी संगति में बढ़ेगा, हजारों हजारों कलीसियाएं खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। मैं आज आपसे कहता हूं, जब हम देखते हैं अन्य जातियों के देश में याकूब की जनरेशन बढ़ने लगी, 6 लाख पुरुष निकले, प्रभु कहता है मुझे भी, तो इस देश में हो चाहे कोई भी देश में हो, मैं तुझे वचन देता हूं, हालेलुया, तू बढ़ेगा, तेरे वंश बढ़ेंगे, तू दाएं बाएं फैलेगा और तेरी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। और तू हर एक देश में, सिर्फ 2-3 नहीं, हजारों हजारों लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। ये एक प्रोफेसी है, हालेलुया, हजारों हजारों लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये कैसे होगा मैं नहीं जानता, ये काम पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे एक बात मुझे शार्प अनुभव दे रहा है, जैसे मैंने ऐसा एक बड़ी जाति को खड़ा किया, और वो भी ऐसी जगह पे खड़ा किया जहां मिस्र, जो परमेश्वर को नहीं जानता, ऐसी जगह में मैंने तुझे खड़ा किया, लोग झुक गए, सुन लो ध्यान से, लोग झुक गए, मिस्र झुक गया, बेबीलोन झुक गया, डैनियल के समय में, जोसेफ के समय में। मैं आज आपसे यही कहता हूं और ये प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जब आप खड़े होंगे, जाति जाति के लोग, राष्ट्र राष्ट्र के लोग आपके सामने झुक जाएंगे। हालेलुया। ये यहोवा का वचन है, ये मेरा नहीं है। आइज़िया में लिखा है, लोग तुम्हारे पास आएंगे, जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे, उनका धन तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। ये यहोवा का वचन है और वो पूरा होने वाला है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, उसके वचन को हम याद करें। जो लोग परमेश्वर के साथ और उसकी संगति में चले, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया है और वो वचन को पूरा किया है। जब आप उसके साथ चलोगे, उसकी संगति में रहोगे, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को चलाएगा। जो बातें पुत्र के बारे में कही गई थी भविष्य वक्ताओं के द्वारा, वो हम देखते हैं वो पूरा हो चुका, वो पास्ट हो गया, लेकिन प्रेजेंट में और आने वाले दिनों में जो होने वाला है, वो समय में हम जी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। मैं आज आपसे कहता हूं, वचन पूरा होने वाला है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कहा, जो उसके बारे में कहा था क्रूस के ऊपर कहा, सब पूरा हुआ। आज ये समय है हमारे जीवनों के लिए, अपने आप को तैयार करो, वचन में बने रहो, उसकी संगति में रहो, इधर उधर मत ताको, संसार के पीछे मत भागो, वो सारी चीजें आपके पास आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लोग आपके पास आएंगे। ये यहोवा का वचन है। आइए अपने आप को तैयार करें, उस खुदा की ओर दृष्टि करें, उसने बोल दिया है ना, वो सारी चीजें आपके जीवन में पूरा करेगा। पिता, मैं आज ये प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो वचन आपने बोला है, बाइबल की हर एक वचन, हा परमेश्वर, वो हा और आमीन में पूरा होने वाली है। और मैं प्रार्थना करता कलीसिया, और जो इन दिनों में कई सारे लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं मीडिया के द्वारा, उनके जीवनों को, उनके मनों को दृढ़ करना,
क्योंकि वो शीघ्र ही वो दिन आ रहा है, आप बादलों में आने वाले हो, वो समय आ चुका है। जो बातें मत्ती 24 में लिखे वो हम इन दिनों में देख रहे हैं। पिता अपने लोगों को तैयार करो, क्योंकि सारी बातें टल जाएगी लेकिन आपका वचन पूरा होकर रहेगा। पिता चर्च को तैयार करो, विश्वासियों को दृढ़ करो, लोगों के आत्मा में बलवंत करो, लोग विश्वास में बढ़ते जाए और आपके नाम की महिमा हो। लो यदि कोई बीमार आज यहां पर है और जो सुन रहे हैं, आपकी सामर्थ यीशु मसीह के नाम से उनकी बॉडी में रिलीज हो और वो अपनी बीमारियों से ही हो, इन जीसस नेम, यीशु के पवित्र नाम में आपकी सामर्थ उनमें रिलीज हो। जो पाप श्राप शैतान के बंधन में है वो आजाद हो इन जीसस नेम। धन्यवाद छुटकारे के लिए। पिता चर्च को इन दिनों में तैयार करो, इन दिनों में मिशनवाद दूर हो लेकिन हर एक कलीसिया एक हो जाए और अपने नाम को ऊंचा करो, अपनी महिमा को प्रकट करो। लो हम सारा आदर, हम सारा महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन।